कुछ ही दिन में राजस्थान के लोग अपनी अगली सरकार चुनने जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनावी संग्राम घोषणाओं का घमासान। हर पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी वापस इलेक्शन जीत पाएगी, पर अगर हाँ तो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर कौन बैठेगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? द कांग्रेस पार्टी इज होल्डिंग अ की मीटिंग टू डिस्कस द राजस्थान पावर बैटल बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज आर्च राइवल सचिन पायलट। जनता के हित के बजाय यहाँ कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा। दूसरी तरफ सवाल है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन होगा, वसुंधरा राजे या फिर नरेंद्र मोदी के पास एक नया नाम है। पर कई लोग एक सवाल के बारे में भूल गए कि राजस्थान की बेरोजगारी का क्या होगा। राजस्थान में बेरोजगारी दर के आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार भर्तियां भी निकालती है जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। लगातार बेरोजगारी के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। राजस्थान का नौजवान इतना तंग आ गया कि पिछले साल सितंबर में नौजवान ने गांधीगिरी अपना ली सड़कों पर ताकि लोग बेरोजगारी पर ध्यान दें। वो जयपुर की सड़कों पर लोगों के जूते पॉलिश करने लग गए। ये इसलिए है क्योंकि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की हालत राजस्थान में बहुत बुरी है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.5%, पर अगर आप देश की बड़ी स्टेट्स को कंपेयर करोगे तो राजस्धान की हालत सबसे बेकार है। हमारे साथ धोखा क्यों? हम पिछले 3 दिन से बड़े हुए इसके लिए और फिर मुकदमा दे रहे हो। ये लो FIR नंबर 133, ये विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया हमारे बेरोजगारों के ऊपर। ये सिचुएशन सबसे बुरी है नौजवानों के लिए। अगर हम राजस्थान के 15 से 29 साल के नौजवान पर नजर डालेंगे जो राजस्थान के शहरों में रहते हैं, तो उनमें से 24% लोग बेरोजगार हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत has announced unemployment allowance for the youth of the state. अब सरकार ने एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम तो अनाउंस करी, पर क्या इससे बेरोजगारी सॉल्व होगी? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कस्बा बौली शहर में रहते हैं 31 साल के राकेश कुमार। 8 भाई बहनों में से अकेले वो हैं जिनको कॉलेज डिग्री मिली। उनको उम्मीद थी कि उनको एक जॉब आसानी से मिल जाएगी, पर बाद में उनको पता चला कि ऐसा नहीं है। आज वो अपने शहर में घर घर जाकर उनकी दीवारों को पेंट कर रहे हैं अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। ऐसी ही कहानियां सुनकर 33 साल के उपेन यादव ने एक फेसबुक पेज बनाया जिसको 1,00,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। वो है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के स्टेट हेड। तो सवाल है कि राजस्थान में बेरोजगारी इतनी है क्यों और इसका किया क्या जा सकता है। पहले डिस्कस करते कि मैं कौन सा डेटा यूज कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए 2 बड़ी सोर्सेज हैं। पहली सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस जो वो हर साल करवाते हैं, और दूसरी सोर्स है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE। CMIE के हिसाब से हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। पर हाल ही में कई लोगों ने CMIE डेटा की आलोचना करी है, भारत सरकार ने भी और कई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने भी। In my view, the fact that this is a survey and yes. we do not know about the reliability of the CMIE survey for India. उन्होंने कहा कि CMIE डेटा में कई समस्या है। पहली चीज है कि उनका सैंपल साइज छोटा है, दूसरी चीज है कि उनके सर्वे का फोकस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तीसरी चीज है कि जिस तरह वो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं वो डिफरेंट है। इसी वजह से जो अपने वीडियो में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो सरकारी डेटा यूज करके करने जा रहा हूँ यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और जब हम राजस्थान के इस डेटा पर नजर डालेंगे हमें 2 इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी। पहली चीज है कि बेरोजगारी शहरों में ज्यादा है गांवों से, या अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में 3.4% है, अर्बन एरियाज में है 8.5%। अब ये चीज बस राजस्थान में ही नहीं पाई गई, कई स्टेट्स में बेरोजगारी की प्रॉब्लम शहरों में ज्यादा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर तमिलनाडु। बस पंजाब जैसे कुछ स्टेट्स ही हैं जहां अर्बन और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट या तो सिमिलर है या फिर शहरों में कम है। राजस्थान की बात करें तो उनकी जो लेबर फोर्स है वो ज्यादातर गांव में रहती है, और 41% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। गांवों में बेरोजगारी कम होने का एक कारण है कि उधर कई सरकारी स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं। काम की गारंटी है, हर ग्राम की गारंटी है, महिला हो या पुरुष बराबर दाम की गारंटी है, ग्रामीण रोजगार अधिनियम हिंदुस्तान की गारंटी है। जैसे सितंबर 2005 में भारत सरकार ने पास करी थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा, जो गारंटी देती है कि लोगों को 100 दिन का काम मिल जाएगा अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के तौर पर। भारत सरकार के मनरेगा ने दिया 5 करोड़ से अधिक परिवारों को 100 दिन के पक्के रोजगार और स्थायी आमदनी का हक।
राजस्थान सरकार के डेटा के हिसाब से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 89% लोग जिन्होंने स्कीम के तहत काम मांगा उनको काम मिल गया। एक 2020 की स्टडी ने दिखाया कि स्कीम की वजह से राजस्थान के गांव से कम लोग बाहर जाने लगे। समस्या ये है कि राजस्थान के शहरों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिस वजह से उधर बेरोजगारी ज्यादा है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो इस डेटा से पाई गई वो थी कि महिलाओं में बेरोजगारी की प्रॉब्लम और बड़ी है मर्दों के कंपैरिजन से। सरकारी डेटा के हिसाब से मेल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.7% जबकि फीमेल रेट है 11.3%। राजस्थान में अनीता जैसी बहुएं लाचार पहुंचती है। 9 साल पहले शादी हुई, राजस्थान आई, पति बेरोजगार है, पत्नी ने परीक्षा पास की लेकिन नियमों की मार ने बेरोजगार बना रखा है। ऐसी कई महिलाओं ने एक दफा नहीं दो बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है पर उनको नौकरियां मिली नहीं है। और ये बस एक जड़ है और कारणों के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर इससे कम से कम आपको एक पिक्चर पता चल गई होगी राजस्थान की बेरोजगारी के बारे में कि वो शहरों में ज्यादा गंभीर है और महिलाओं में ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी के पीछे कारण क्या है। पहला कारण है एजुकेशन। 2022 के लेटेस्ट सरकारी डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा नॉन लिटरेट लोग यानी कि वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में है। राजस्थान के 31.7% लोग लिख पढ़ नहीं सकते जबकि इंडिया की एवरेज है 23.3%। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो पूरे देश में राजस्थान सबसे पीछे है। राजस्थान की 44.6% महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती। इस मामले में राजस्थान और बिहार के आसपास कोई भी स्टेट डगमगा नहीं रही। अब अगर पूरी स्टेट के 31.7% लोग लिख पढ़ नहीं सकते तो बेरोजगारी की प्रॉब्लम होना इतना मुश्किल नहीं होता। और ये मत समझना कि ये प्रॉब्लम बस राजस्थान के गांवों की है, अर्बन नॉन लिटरेसी में भी राजस्थान एक टॉप की रैंकिंग पर है। और अजीब बात है कि राजस्थान के कोटा में देश से 2 लाख से ज्यादा लोग जाते हैं हर साल जेई और नीट जैसे चैलेंजिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, पर राजस्थान की पॉपुलेशन के कई लोग खुद लिख पढ़ नहीं सकते। प्रथम इंडिया में एक ऐसा संगठन है जो हर साल एजुकेशन के बारे में एक रिपोर्ट बनाता है। वो पूरे देश में कई गाँव के स्कूल्स में जाते हैं और स्टूडेंट्स को जांचते हैं कि वो मैथ, इंग्लिश और अपनी मातृभाषा में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। अब हमारे देश की हालत इतनी बुरी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रथम 5th क्लास के स्टूडेंट का टेस्ट लेता है वो टेस्ट में 5th क्लास की नोटबुक के क्वेश्चंस नहीं होते बल्कि 2nd क्लास की नोटबुक के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 2022 में हिंदी टेक्स्ट पर सवाल पूछे, रामपुर में एक मैदान था वहां कुछ नहीं उगता था, ऐसे करके। 2012 में बस 46.8% राजस्थानी बच्चे जो 5th क्लास में थे वो इस 2nd क्लास का टेक्स्ट पढ़ पाए थे। 2022 में ये नंबर 38.2% हो गया। तो 10 साल में सिचुएशन बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गई। अब इमेजिन करो कि एक देश की बड़ी स्टेट में 38% 5th क्लास के स्टूडेंट्स एक 2nd क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए, कहाँ से बनेगा हमारा देश विश्वगुरु। लड़कियों के लिए सिचुएशन तो और भी बुरी है क्योंकि उनके लिए तो स्कूल में घुसना ही एक अचीवमेंट हो जाती है, पास करना तो छोड़ो। बच्चियाँ 8th-9th तक पढ़ती हैं उसके बाद क्लासों को छोड़ जाती है, उसका या तो बच्चे को शादी कर दी जाती है या उनको घरेलू काम में लगा लिया जाता है। इस साल शादी हुई तो आपकी शादी क्यों हो गई इतनी जल्दी? घर वालों ने कर दी शादी। ऐसी लड़कियों की कई बार जल्दी शादी होने के कारण ऐसी लड़कियां माएं बन जाती हैं जबकि उन्होंने पढ़ाई करी नहीं होती है। 2022 की प्रथम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि राजस्थान की 53.4% माएं कभी स्कूल गई नहीं, जो पूरे देश में सबसे हाईएस्ट नंबर है। और दुनिया भर की रिसर्च ने दिखाया कि जब पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, पर राजस्थान की आधे से ज्यादा माएं तो कभी स्कूल गई नहीं तो वो अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। फिर कई सरकारी पॉलिसीज भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती हैं पर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। जैसे 2014 में बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया था कि क्योंकि पैसों की कमी है स्कूल चलाने के लिए, इसी वजह से वो कई स्कूल्स को कंबाइन कर रही है। राजस्थान एजुकेशन डायरेक्टरेट ने बताया कि 2014-2018 के बीच 22,000 से ज्यादा स्कूल्स मर्ज कर दिए गए, पर इस पॉलिसी का अंजाम क्या हुआ कि कई बच्चे जिनके पहले स्कूल्स आसपास थे अब उनको घंटे ट्रैवल करना पड़ा अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। ऐसी कहानी थी अनीता गुज्जर की जो 2017 में क्लास 4th में थी और उनको 1 घंटे से ज्यादा चलना पड़ा क्योंकि अब उनका स्कूल गांव के बाहर पड़ गया था। कई स्कूल्स मर्ज तो कर दिए गए पर उधर इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, जिसका अंजाम ये था कि एक ही क्लासरूम में मल्टीपल क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। 2022 की रिपोर्ट ने दिखाया कि राजस्थान के 87% 2nd क्लास के स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे जो 1st क्लास या उससे कम की क्लास के हैं। इस पॉलिसी की वजह से एक 2017 की स्टडी ने दिखाया कि कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। जो स्कूल्स बच गए उनकी भी बहुत अच्छी हालत नहीं है।
इस विद्यालय के अंदर काफ़ी पद रिक्त पड़े हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान के अंदर काउंसिल सिस्टम से टीचरों की भर्ती होती है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है तो यहाँ लोग चूज नहीं करते। किसी तरह अगर आप स्कूल पास करके कॉलेज में भर्ती हो भी गए तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि नौजवानों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है राजस्थान में। इसके पीछे एक कारण है कि उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। राजस्थान की सरकार ने बताया कि 2023 में उनके पास करीब 18.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग थे, जिनमें से 14.5 लाख तो ग्रेजुएट्स थे, जो क्लियरली हमें बता रहे हैं कि एक डिग्री के बाद इतना फायदा नहीं हो रहा लोगों का। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कॉलेजेस की कमी है। भारतीय सरकार के 2020 में हुए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ने दिखाया कि राजस्थान में करीब 3,700 कॉलेजेस है, यानी कि हर लाख लोगों के लिए 40 कॉलेज, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाद सबसे ज्यादा है पूरे देश में। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो राजस्थान में 92 यूनिवर्सिटीज हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। तो उनकी क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी क्वालिटी में। भूषण पटवर्धन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 50 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, पर उनमें से 2 ही NIRF की टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आए, जबकि तमिलनाडु में 26 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से 19 इस टॉप 100 रैंकिंग में थे। राजस्थान सरकार की खुद की रिपोर्ट ने दिखाया कि 75% सरकारी कॉलेजेस UGC की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस अचीव नहीं करते। 2021 में राजस्थान में करीब 12,800 सैंक्शन पोस्ट थी, पर उनमें से करीब आधी खाली थी। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण लेते हैं, जो राजस्थान की एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। उधर 61 सैंक्शन पोस्ट है प्रोफेसर्स की, पर उनमें से 58 खाली हैं। इस चीज को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा 2019 में। उन्होंने कहा कि हम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो प्रोफेसर की पोस्ट में अप्लाई करें, पर एक कंडीशन है, उनको ना पैसा दिया जाएगा ना ट्रैवल अलाउंस। ये एप्लीकेशंस वॉलंटरी बेसिस पर होंगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन के स्पिरिट में। तो अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई करें राजस्थान में। पुनीत शर्मा, जो एक एजुकेशन एक्सपर्ट है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि राजस्थान सरकार हर साल कई कॉलेजेस तो खोल रही है, पर रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं सोचती। पूजा अग्रवाल, जो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि 2000 और 2018 के बीच राजस्थान में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, पर अब इसकी क्वालिटी को राजस्थान के स्टूडेंट्स भी समझ गए हैं। इसी वजह से राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन 46% तक गिर गया है। इस चीज के बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। आप मानोगे नहीं, 2019 में कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं करौली और धौलपुर में, जहाँ 10 से कम लोगों ने एडमिशन लिया। इमेजिन करो, ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ 10 लोग भी नहीं गए। अब अगर स्कूल्स और कॉलेजेस ने आपका साथ नहीं दिया तो ITIs और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स तो है ना? नहीं। 2019 में राजस्थान सरकार ने एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम लॉन्च करी, जहाँ बेरोजगार ग्रेजुएट्स जिनके परिवार की सालाना इनकम 2 लाख से कम है, उनको 2 साल के लिए एक अलाउंस दिया जाएगा। लड़कों के लिए महीने के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे, और लड़कियों, ट्रांसजेंडर्स और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए 3,500। एक मार्च से सबको मिलेगा 3,500 रुपए भत्ता मिलेगा, लड़कों को मिलेगा 3,000 और लड़कियों को मिलेगा 3,500। बाद में सरकार ने इन दोनों अमाउंट्स को 1,000 रुपए से बढ़ा दिया, पर 2019 के स्टेट बजट में पता चला कि जहाँ सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए 525 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए वो खर्च कर रही थी बस 54 करोड़। अब कांग्रेस के सपोर्टर्स कहेंगे कि हमने इलेक्शन में ये वादा किया था, जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपए पहले 600 रुपए मिलते थे। और बीजेपी भी पीछे हटने वाली नहीं है, उन्होंने तो उल्टा कहा था कि वो 5,000 रुपए देंगे अलाउंस के तौर पर। बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र में किसानों के अलावा युवाओं के लिए भी बड़े बड़े वादे हैं। 21 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 का रोजगार भत्ता। पर क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? स्किल डेवलपमेंट में क्या हुआ? 2018 में पता चला कि सरकार के जो स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, उनमें बस 30% से ज्यादा लोगों को ही प्लेसमेंट्स मिली है, और इन प्लेसमेंट से भी बस 37% प्लेसमेंट्स जेन्युइन थी। कॉलेजेस की तरह राजस्थान ITI के मामले में देश में सबसे आगे है। राजस्थान में करीब 1800 ITIs हैं, जो देश में सेकंड हाईएस्ट है, पर क्वालिटी में वही प्रॉब्लम है। 2021 में जहां राजस्थान में करीब 2.5 लाख ITI सीट्स थी, उनमें से बस 39% ही फिल हुई थी। एक रिसर्च ने दिखाया कि राजस्थान में करीब 18,225 लोगों ने ITI ट्रेनिंग कंप्लीट करी। अब गेस करो उनमें से कितने लोगों की प्लेसमेंट हुई। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 22। हाँ, 18,225 लोगों में से 22 लोगों को प्लेसमेंट मिली, विच इज अ प्लेसमेंट रेट ऑफ 0.12%। ये प्लेसमेंट रेट बहुत कम है ना,
पर देश की इतनी बुरी हालत है कि राजस्थान की ये प्लेसमेंट रेट टॉप 5 प्लेसमेंट रेट्स में से थी। तमिलनाडु की प्लेसमेंट रेट बेस्ट है पर वो भी बस 3.2% ही है। राजस्थान की ITIs की क्वालिटी इतनी बुरी है कि एक स्टडी ने दिखाया कि 160 ITIs में से एक भी ITI को 2.5 से ज्यादा ग्रेड नहीं मिला, जो एक बेंचमार्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है। कॉलेजेस की तरह ITIs की भी वही कहानी है, जो टीचर्स है उनकी अच्छी क्वालिटी ही नहीं है, पर कई ITIs में तो काफी टीचर्स भी नहीं है। अब बहुत अजीब बात है कि ऐसी स्टेट में जहाँ इतनी बेरोजगारी है उधर सरकार को टीचर्स नहीं मिल रहे। विपिन प्रकाश शर्मा जो राजस्थान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सरकार को 77,000 टीचर्स चाहिए पर उधर अभी बस 26,000 लोग ही काम कर रहे हैं। इसी वजह से प्रेम चौधरी जैसे लोगों ने एक उम्मीद लगाई रखी है। प्रेम चौधरी एक 25 साल के नौजवान है जिन्होंने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स दिया था। एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं और एक साल उन्होंने कोचिंग ली जयपुर में ताकि वो इस एग्जामिनेशन को पास कर पाए, जिस चीज के लिए उनके परिवार ने 2,00,000 रुपए दिए। पर इस एग्जामिनेशन के बाद हुआ क्या, पेपर लीक। These are massive face-off that can be seen on the streets of Jaipur. जो रीट के अभ्यर्थियों से जुड़े हुए संगठन हैं, जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि रीट की परीक्षा की जांच होनी चाहिए, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और वो सब लोग इसमें शामिल है। प्रेम ने कहा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। 2011 और 22 के बीच राजस्थान में 26 पेपर लीक्स रिपोर्ट हुए और पिछले 4 साल में तो 14 हुए थे। इसके बारे में एक मैंने वीडियो भी बनाया है। इस सिचुएशन की गंभीरता समझने के लिए ये सोचो कि राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बनाया ऐसे पेपर लीक्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस स्पेशल ग्रुप को इतने कॉल्स हैं लड़कियों से कि अगर ये पेपर लीक हो गया तो हमारा परिवार हमें और पढ़ने नहीं देगा। अब इतना हल्ला हुआ इस बारे में, इस वजह से 2022 में सरकार ने एक लॉ जरूर बनाया जहां 10 साल की जेल और 10 करोड़ का फाइन भी हो सकता है, पर इस लॉ के पास होने के कुछ महीने बाद एक और पेपर लीक हो गया। The question paper of the second grade teacher competitive examination 2022 on Saturday was leaked just hours before the commencement of the exam, prompting the Rajasthan Public Service Commission to cancel the exam. राजस्थान के लोग सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं है। 1989 में तब के राजस्थान चीफ सेक्रेटरी VBL माथुर ने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अब स्टार्ट हो गई है स्टेट में और अब हम आगे बढ़ेंगे, पर 34 साल बाद सिचुएशन बहुत अलग है। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बस 7.5% जॉब्स क्रिएट कर रहा है जबकि टारगेट 20% है, और इस चीज पर राजस्थान 25वीं रैंक पर है पूरे देश में। इनफैक्ट 2018 से इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है राजस्थान इकोनॉमी में वो कम हो रहा है। इसकी एक वजह है कि वो सेक्टर्स जहाँ राजस्थान की एक एडवांटेज है उधर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं पाई है। जैसे उड़ीसा के बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन में राजस्थान सबसे प्रॉमिसिंग स्टेट मानी जाती है। देश का 9% मिनरल प्रोडक्शन राजस्थान से आता है और राजस्थान की एक मोनोपोली है सिल्वर, मार्बल और लेड जिंक जैसे कई मिनरल्स में। पर एक प्रॉब्लम है कि राजस्थान अपनी नेचुरल एडवांटेज को इतना यूज नहीं कर पाया। CII राजस्थान के एक्स चेयरमैन दिलीप बैद ने कहा कि राजस्थान में कई मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स हैं, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से हम इतनी वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं। जैसे राजस्थान में कई मटेरियल्स हैं जो सेरेमिक्स बनाने के लिए यूज करे जा सकते हैं, पर ये मटेरियल्स उल्टा गुजरात और उत्तर प्रदेश यूज कर रहे हैं और उधर ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। जैसे दिलीप ने कहा कि गुजरात सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज का हब बन गया है, राजस्थान से रॉ मटेरियल बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट हो रहा है, पर हम इस चीज पर वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे। ये इसलिए है क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाई है जो टेक्नोलॉजी लेकर आए इस वैल्यू एडिशन के लिए। इश्विंदर सिंह जो फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, वो कहते कि पहले राजस्थान मार्बल और सैंडस्टोन के लिए माना जाता था, हम ग्रेनाइट में भी एक लीडर बन गए, पर ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही, हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे। और ये सेम चीज हम एग्रीकल्चर की दुनिया में देख सकते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बाजरा और सरसों का, ऐसी ही सिचुएशन है ऑयल सीड्स, पल्सेस और सोयाबीन की। इनफैक्ट राजस्थान एक बहुत बड़ा दूध का प्रोड्यूसर भी है, देश का 15% दूध राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है, पर इस सेक्टर में भी इतनी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की 2021 की रिपोर्ट ने कहा कि राजस्थान में करीब 900 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ही हैं, देश के बस 2.2% यूनिट्स। और क्या कारण है जिस वजह से राजस्थान इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाया? 2 साल पहले राजस्थान के टीचर्स ऊंटों पर स्कूल जा रहे थे, जो एक उदाहरण है बुरी रोड कनेक्टिविटी का। वर्ल्ड बैंक की 2019 रिपोर्ट ने दिखाया कि राजस्थान की एग्रो और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, पर बुरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो इसको अचीव नहीं कर पा रहे।
राजस्थान का नेशनल हाईवे नेटवर्क महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है, पर इंटरस्टेट रोड कनेक्टिविटी में वो मात खा जाते हैं, जो हम देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान की रोड डेंसिटी नेशनल एवरेज से आधे से भी कम है। राजस्थान सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। इसके पीछे एक कारण है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पावर सब्सिडीज में जा रहा है। राजस्थान के किसानों को बिजली के हर यूनिट के लिए बस 90 पैसे देने होते हैं, जो रियल कॉस्ट का बस 12% है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट ने दिखाया कि किसानों के लिए इंडिविजुअल मीटर्स भी नहीं है, जहां उनको अपनी यूजेज के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, बल्कि उन पर एक फिक्स रेट लगाया जा रहा है। 2022 के बजट में सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए खर्च करे थे इस सब्सिडी के लिए, जबकि रोड्स और ब्रिजेस पर बस 9,000 करोड़। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश नहीं करी है। 2014 में उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, पर उनसे भी इतना फायदा हुआ नहीं। 2015 के सर्वे ने दिखाया कि इस चीज से मोस्ट लोग ये नहीं मानते थे कि स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और 2016 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि इससे उल्टा कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर करने लग गई और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। तो कंपनीज का तो जरूर फायदा हुआ, पर रोजगार नहीं मिला लोगों को। एक और समस्या ये है कि राजस्थान का मोस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट जयपुर से आता है, 39%, जिसका मतलब है कि अगर आपको इंडस्ट्रीज में काम करना है राजस्थान में, तो एक ही मेन इलाका है जहाँ इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही है। राजस्थान में रोजगार के सोल्यूशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड उनको एग्जीक्यूट करना। वैसे एक चीज जो सरकार कर सकती है, राजस्थान सरकार का कई सालों से हाई फिस्कल डेफिसिट रहा है, क्योंकि सब्सिडीज में बहुत पैसा खर्च हुआ है। अगर सरकार सब्सिडी कम नहीं कर सकती, पर उनको एफिशिएंट तो और बना सकती है, वो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पैसा जाए, जिससे लीकेजेस और करप्शन की संभावना कम हुए। दूसरी चीज है कि राजस्थान सरकार को अपनी नेचुरल एडवांटेज को यूज करना होगा अच्छी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। इसके लिए उनको कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहिए जो एग्रो प्रोसेसिंग और मिनरल प्रोडक्शन में काम कर सकती हैं। फिर राजस्थान सरकार को अपने ITIs और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पर भी फोकस करना होगा। जैसे सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कहा है कि राजस्थान में कार रिपेयर की एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि जयपुर में मोटर मैकेनिक्स का एक स्कूल खुलना चाहिए और कोटा में ट्रैक्टर मैकेनिक्स का। फाइनली हमारे देश की तरह राजस्थान अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल तब तक अचीव नहीं कर पाएगा जब तक उनकी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही होंगी। राजस्थान के चुरू जिले में एक जरूर एक कंप्यूटर सखी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिससे 70,000 महिलाओं को कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही है। जाहिर सी बात है, जब महिलाओं को एजुकेशन मिलेगी, वो अपने बेटियों को भी इंकरेज करेंगी। होपफुली इस चीज से राजस्थान अपनी छवि बदल पाएगा और टूरिज्म के मामले में ही नहीं बल्कि एजुकेशन के मामले में भी दूसरे लोगों को बोल पाएगा। ये वीडियो है हमारी स्टेट सीरीज का, जहां हमने बात करी कि हरियाणा में नौकरियां नहीं है, सिक्किम में बच्चे और पंजाब में पैसा, और आज है राजस्थान की बारी। वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिले और मेरा भी मोटिवेशन बने रहे।